वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पर रिफॉर्म। मैं हूं आजम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी यूटी के रिवर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया में से अगर हम देखेंगे यूटी के रिवर्स, जो हमारा यूटी जम्मू एंड कश्मीर है, उसके मुताबिक हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग अवर प्रीशियस टाइम हम जाते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे कुछ रिवर जहाँ पे, यानी मैंने मेंशन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, वो मैंने यहाँ पे 12 इम्पोर्टेंट रिवर्स लिखे हैं। तो यहाँ से मतलब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 12 रिवर्स। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडस रिवर है। तो कितना है वो, 3180 किलोमीटर इसकी लिंगथ है इंडस रिवर की। उसके सेकंड अगर हम देखा जाए तो चेनाब कितना है, 960 किलोमीटर। उसके बाद जो तीसरा है वो है जहलिम। जहलिम की लिंगथ कितनी है, 725 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है इंडस लार्जेस्ट। ठीक, तो चेनाब जो है, चेनाब रिवर की अब हम बात करेंगे। पहला रिवर जो यहाँ से मैंने लिखा है वो है चेनाब रिवर। देखो चेनाब जो है लार्जेस्ट टेरिटरी ऑफ इंडस, यानी कि इंडस रिवर जो हमारे पास है, जो हमारा लॉन्गेस्ट रिवर जम्मू कश्मीर का है, उसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, यानी कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है, देखो अगर हम रिवर की हम बात करेंगे तो रिवर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक रिवर यहाँ से चल रहा है ना, यहाँ से एक रिवर चलता है, तो अब यहाँ पर ये जो है ना, एक छोटा रिवर दूसरे रिवर से चलता है, तो मतलब ये जो है ये ट्रिब्यूटरी कहलाते हैं। ठीक, अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूट हम कहते हैं, अगर ये ऐसा कुछ होगा, अगर दो दो ये होता है मेंस, दो तो ये होता है रिडिस्ट्रीब्यूट। अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूट, ऐसा कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, क्या टर्म है, ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी में हम सिंपल कह सकते हैं कि जो लार्ज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर है वो है हमारा चेनाब रिवर। तो टू स्ट्रीम्स जो है वो ये फॉर्म करते हैं। तो कौन से टू स्ट्रीम्स हैं जिससे ये फॉर्म होता है हमारा चेनाब रिवर, एक है चांद्रा, दूसरा है भागा। भागा और चांद्रा जो है ये दो स्ट्रीम्स हैं जो फॉर्म करते हैं इस चेनाब रिवर को। जो भागा है वो हिमाचल प्रदेश, उसकी ओरिजिनेट यानी ओरिजिन है, और दूसरा जो है चंद्रा तौल जो है इसकी ओरिजिनेट है, किसकी, चंद्रा की। चंद्रा और भागा मिलके एक रिवर बनाता है जिसका नाम है चेनाब। चेनाब जो है ये लार्जर ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस रिवर का। और इंडस रिवर क्या रिवर है, वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ J&K। ठीक, तो इसके अलावा फिर ये एंटर होता है जो हमारा कश्तवार, जो हमारा एंटर जम्मू कश्मीर से कहाँ, किस मतलब इलाके में, किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर होता है, पैडर जो हमारे पास इलाका है, डिस्ट्रिक्ट कश्तवार, वहां पर एंटर होता है हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो वो ज्वाइन करता है विद वधवान रिवर, यानी किश्तवार वधवान रिवर जो है वो यहाँ पे ज्वाइन होता है इस चेनाब रिवर के साथ। देन अखनूर, देन ये प्लेन्स ऑफ J&K के ओर आ जाता है और चला जाता है सियालकोट यानी पाकिस्तान चला जाता है फिर चेनाब रिवर, और तभी जो है उसको ज्वाइन होता है कहां पर, पाकिस्तान में, फिर ये इंडस रिवर की ओर चलते हैं। तो लिंगथ जो इसकी है विदाउट एंटरिंग द पाकिस्तान 1180 किलोमीटर। यहाँ पे भूल गया, यूनिट जरूरी बनता है क्योंकि यूनिट हर एक एग्जाम में यूनिट जो है वो भी काम आता है बहुत। ठीक, किलोमीटर यूनिट हमें कहाँ पर पता चलता है एक्चुअल में, जो अगर यहाँ पर मेडिकल के जो शोबे से ताल्लुक रखने वाले होंगे या नॉन मेड के, तो वहां पर फिजिक्स में जो है वे ये जो हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर है, वहां पर आप उनको टाइम मिला तो पढ़ाएंगे फिजिक्स भी। तो रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर प्रोजेक्ट यही भी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ऊपर मैंने लिखा है तो इसलिए दूसरी बार भी नाम पड़ा। अब पावर प्रोजेक्ट्स की और देखते हैं कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट हैं जो हमारे इस चेनाब रिवर से हमें मिलते हैं। ठीक, सलाल डैम जो है वो रियासी है, सलाम डैम रियासी में है, ये मतलब पावर प्रोजेक्ट है, सलाम डैम नहीं है, सलाम डैम जो है वो रियासी में है, पावर प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये कश्तवार में है। इसके अलावा पकल दुल जो है वो कश्तवार में है। रटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक
प्रोजेक्ट या पावर प्लांट वो किश्तवाड़ में है, ठीक। किरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो भी किश्तवाड़ में है, और कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो कहां पे है, वो किश्तवाड़ में है, और बघवार जो हाइड्रो प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो कहां पे है, बघवार वो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। ये 7 मतलब पावर प्रोजेक्ट है जो हमें किससे मिलते हैं, हमारे रिवर चुनाव से। अब हम जाते हैं व्यक्ति और आते हैं जहलिम पे, ठीक। तो जहलिम और व्यस्त एक ही चीज है, ठीक। तो जहलिम जो है, जहलिम को कश्मीरी में वेद बोलते हैं, बाकी जबानों में वसस्ता बोलते हैं, हाइड्रापस ग्रीक इसको संस्कृत में वसस्ता बोलते हैं, और हाइड्रापस ग्रीक में उसको हाइड्रापस बोलते हैं। टोटल लैंग्वेज जो इसकी वैली में है, वैली की अगर हम बात करेंगे जहलिम की, 177 मीटर है, और लेदर रिवर जो है जो हमारे खानीबल में है, लेदर रिवर खानीबल वो इससे मिलता है, लेदर रिवर। मतलब अब हम देखते हैं मतलब यहाँ पे कौन कौन से रिवर्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ से ऑरिजिनेट उसकी देखेंगे। लेदर रिवर जो है वो खानीबल से मिलता है किसको, इस मतलब जहलिम को। इसके अलावा यहाँ पे विशु विशु जो रिवर है वो अनंतनाग में मिलता है, सिंध रिवर है वो शादीपुरा में मिलता है। इसके अलावा कृष्ण गंगा जो है वो खुद एक रिवर है, इसके मुताबिक हम पढ़ेंगे वो किस कहाँ पे मिलता है, उसके साथ इस वह के साथ मिलता है, कहाँ पे मिलता है, मुजफ्फरबाद में। फिर है पूंछ रिवर जो पूंछ में मिलता है, तो मगला दम जो चन्नाब है, चन्नाब मगला दम जो है चन्नाब, यानी फिर ये जाते हैं चन्नाब की ओर, यहाँ पे चन्नाब में जाते हैं ये, मतलब जो हमारे पास वह जहनी में ये जाते हैं फिर चन्नाब, और वहां पे जंग डिस्ट्रिक्ट है तो पाकिस्तान में वो मिल जाते हैं चनाव के साथ। यानी कि टोटल लिंगज जो इसकी है 177 है, और लदर रिवर जो हमारे पास है वो खानीबल में इस जहलिम के साथ मिलता है, विशु रिवर जो है वो अनंतनाग में इस जहलिम के साथ मिलता है, सिंध रिवर जो शादीपुरा में इस जहलिम के साथ मिलता है, कृष्ण गंगा जो है वो मुजफ्फरबाद में इस जहलिम से मिलता है, पूंछ रिवर भी इस जहलिम से मिलता है, और मंगला डैम जो है वो फिर मंगला डैम की ओर आ जाते हैं, मंगला डैम से मिलते हैं, फिर नियर मतलब मंगला डैम के बाद ही ये जाते हैं पंजाब में, वहां पर पाकिस्तान में जाते हैं, पंजाब नहीं पाकिस्तान में जाते हैं, और वहां से चनाब के साथ मिल जाते हैं। अब हम देंगे इसके फ्लोटेशन, देखो अगर हम बात करेंगे ना तो मैन जो है मैन जो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे अनंतनाग है, मैन जो डिस्ट्रिक्ट है वो श्रीनगर है, मैन जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास बारामुल्ला है, जो मतलब मैन है जो इससे बहुत फायदा मतलब वैली जो वहां पे उसके बैंकस पे है, इसके बैंकस पे जो लोकेट है तो बहुत फायदे उनको मिलते हैं इस जहलिम से। तो अनंतनाग, बिजबिहारा, अवंतीपोरा, पंपोरा, श्रीनगर, फिर वानीपोरा, फिर सोपोरा, फिर बारामुल्ला, फिर जाता है हमारे जो विथ है यानी कि जहलिम ये जाता है फिर पाकिस्तान, यहाँ तक क्लियर। और ट्रेबुटरी है चनाब रिवर का, मैंने अभी बताया ट्रेबुटरी आप चनाब रिवर ये जाता है, मिलता है किसके साथ, ये चनाब रिवर के साथ मिलता है, ठीक। और लोअर जहलिम, मोहरा एंड यूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पावर प्रोजेक्ट इससे हमें हासिल होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास है वह है रोवी, जो रोवी है उसकी ऑरिजिनेट है हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश की उसकी ऑरिजिन है यानी कि ऑरिजिनेट होता है हिमाचल प्रदेश में, और ये एक ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुटवा है उसी के बाउंड्री के साथ चला जाता है पाकिस्तान, और विदाउट एंटरिंग द कश्मीर के साथ उसको एंटर नहीं होते हैं और जाते हैं पाकिस्तान। और हमारे पास रंजीत सर डैम जो हम कुटवा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसकी मेगावाट कितनी पावर, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे उसमें। रंजीत सर डैम जो है वो कहां पर लोकेट है, रवि रिवर पे, ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। लिंगत कितना है 725 किलोमीटर। फिर है विशु जो है विशु रिवर, मैन ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम रिवर, ये भी जहलिम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ऑरिजिनेट जो है कोसानाग जो हमारे कुलगाम में है, फॉर्म्स वाटर फॉर अहराबाद, यानी कि यही जो हमारे पास विश्व है यही फॉर्म करता है अहराबाद। अहराबाद कहाँ पे है, हमारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और जैन जहलिम अनंतनाग में ये जहलिम के साथ मिल जाते हैं कौन, विशु, और लिंगज उसके हैं 70 किलोमीटर है। तो पूंछ जो फिर पूंछ रिवर हमारे पास है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम है, और ऑरिजिनेट फ्रॉम पीर पंजाल और मीट जहलिम एड मंगला डैम जो है हम उसी के पास मिल जाते हैं, जैसे ये मंगला डैम के पास ये जहलिम के साथ मिल जाते हैं, फिर जाते हैं सारा कुछ
पाकिस्तान। तो यहां तक क्लियर। एक बार फिर भी देखते हैं हमारे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडस है। इंडस की कितनी किलोमीटर है? 3180 किलोमीटर और चनाब 860 किलोमीटर, जहिम 725 किलोमीटर। यहां तक हमारे पास ये तीन आते हैं। चनाब जो है चनाब रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है। टू स्ट्रीम्स जो फॉर्म करते हैं चंद्रा एंड बागा। बागा जो है हिमाचल प्रदेश ऑरिजिनेट, हिमाचल प्रदेश उसकी ऑरिजिनेशन है। चंद्रा टॉल जो इंटर्स होते हैं नियर पैदरा कश्मीर किश्तवाड़ में चला जाता है, कश्मीर किश्तवाड़ के पास, फिर याखनूर प्लान्स ऑफ जेएनके, फिर सयालकोट यानी पाकिस्तान में चला जाते हैं। तो इसके अलावा ये हमने देखे हैं पावर प्रोजेक्ट्स, ये जहलम देखा हमने, जहलम को किस नाम से किसके नाम से पकाते हैं, फिर देखा कि लेदर रिवर इससे मिलता है खानीबल में, ठीक। अब विश्व रिवर जो है वो अनंतनाग में मिलता है, फिर सिंध रिवर जो कहां से आता है सिंध और भी हम पढ़ेंगे गांधरबल से आता है, तो फिर कहां से मिलता है हमारे इस सादीपोरा से, थी फिर कृष्णगंगा, ठीक, कृष्णगंगा जो है मुजफ्फराबाद से मिलता है, फिर पूंछ रिवर, फिर मंगला डैम, फिर ये जाता है कहां पाकिस्तान। तो फलोजा कहां कहां से जाते हैं? अनंतनाग से, बिजवारा से, अवंतीपोरा से, पुलवामा पांपोरा से, श्रीनगर से, बांडीपोरा, सोपोरा और बारामूला, फिर जाते हैं पाकिस्तान, ठीक। तो लोअर जहल मोहरा एंड यूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ये पूरे प्रोजेक्ट कहाँ पे है? हमारे जहल में है। रवि की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में उसकी ऑर्जेट है, जो वन डिस्ट्रिक्ट के साथ ही मीट करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो याद रखना है कौन सा रिवर है जो एक ही डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से ऑर्जिनेट, मतलब एक ही बाउंड्री के साथ टच करके पाकिस्तान चला जाता है, वो है रवि। फिर अविशु जो जहलम रिवर यानी कौन सा नाग जिसकी आर्जन है आर रिवर बनाते हैं, और फिर ये मिलता है कहां से? जहलम के साथ ज्वाइन करके अनंतनाग से फिर जाते हैं पाकिस्तान ही। तो क्योंकि खुद ही जहलम जाता है पाकिस्तान, हम क्या करेंगे। और ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम जो है वो मतलब ऑरिजिनेट है पेपर जा रहा है कि मीट जहलम एट मंगला डैम, ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो ये था आज के कुछ मतलब जो हमने डैम पढ़े, कौन से डैम पढ़े हमने, पढ़ा है आज चनाब, जहलम, रवी, विशु एंड पूंछ। अब हम दूसरे लेक्चर में, हमारे दूसरे लेक्चर में कुछ और चार पॉइंट है उसके मुताबिक पढ़ेंगे। तो ये थे आज का लेक्चर, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।